मतलब एक वक्त तक तो अली ने भी इस बात पर यकीन कर लिया था कि यहाँ पर मर्जीना और अली की कहानी ख़त्म हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आ गया है कहानी पर जहाँ पर यू नो सिमसिम ने मर्जीना को मार दिया है और सब कुछ, मतलब अली का सारा जो भी था सब कुछ अब बिखर चुका है, उसके पास अब कोई मकसद भी नहीं बचा है। तो बस वही, अभी आपने सीन देखा कि हम कैसे, मतलब अली भी यहाँ तक आ गया कि मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा, तो बस अब वही चल रहा था। पर देखते हैं आगे कहानी में, फिर से कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आना ही है। आगे अगर मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजुअली अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर अभी जो दिखता है, हम जो BTS देखते हैं और जब अपने एपिसोड्स देखते हैं तो बहुत अंतर होता है। बट हाँ, ऑफकोर्स मेरे ख्याल से ये एक बुरा सपना हो, भगवान करे, ताकि हमारा किस्सा ख़त्म ना हो। मोस्टली क्या होता है कि जब हम ऐसे सीन्स परफॉर्म करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा एक होता है बॉडी शॉक बहुत लगता है, बिकॉज़ आप सुबह सुबह एकदम फ्रेश मूड से आते हैं, मेकअप करते हैं, हंसी खुशी सबसे मिलते हैं और सडनली अगर पहला सीन आपका ऐसा हो जिसमें आपको इतनी इंटेंसिटी से रोना हो और यू नो एक दूसरे आप इमोशनल जोन में जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो, एक मेंटली भी थोड़ा और फिजिकली भी थोड़ा। बट देन अगेन दिस इज़ आवर जॉब एंड दिस इज़ वॉट वी कॉल यू नो द पार्ट ऑफ आवर एक्टिंग प्रोफेशन, तो वी हैव टू डू इट, सो मज़ा आता है करने में जो भी कहो। Hi guys, this is Abhishek Nigam and you're watching me on Tele Reporter.